हाय फ्रेंड्स, मैं कुमुद, कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बन करके तैयार होगी। एक बार आप भी इसे ट्राई करिएगा। कढ़ाई चाढ़िए, मस्टर्ड डाल डालिए और उसमें 3-4 सूखी लाल मिर्च डालिए, जीरा डालिए, लहसुन डालिए। जब चटकने लगे तो इसमें मोटा मोटा कटा हुआ आलू और परवल डाल दीजिए। हाफ हाफ परवल करना है और 2 बड़ा प्याज लीजिए, उसको भी आधा आधा काट लीजिए। फिर हल्दी डालिए और नमक डालिए, डाल करके इसको 2 मिनट के लिए भून लीजिए। भूनने के बाद एक पैकेट मैगी मसाला लीजिए और इस मसाले को इसमें डाल दीजिए। बिना टमाटर का ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी सब्जी बन कर के तैयार होगी। अरे, एक बार अगर इस सब्जी का आप टेस्ट ले लेंगी तो आपको फिर दूसरी सब्जी खाने का जी नहीं करेगा। देखिए कितना यूनिक ये सब्जी बन कर के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बन करके तैयार हुई है, देखिए, है ना। आप दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको आप परोस सकती हैं। हॉस्टल के बच्चे भी बना सकते हैं।